बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे 5 साल की उम्र के बाद भी रात को सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं। और अगर ये समस्या 5-7 साल के बाद के बच्चों में भी बनी रहती है तो ये माँ बाप और बच्चे दोनों के लिए एक बड़ी समस्या या मुसीबत का कारण बन जाता है। तो इसलिए ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे अभी इस एज में हैं और अभी भी अगर वो 5 साल के बाद बिस्तर गीला करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको इसे आखिर तक देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पहले कि बेड वेटिंग के एक्चुअल में कारण क्या होते हैं, और अगर आप इन कारणों को दूर कर लेते हैं और कुछ फर्दर स्टेप्स ले लेते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जिससे आप और आपका बच्चा रात को अच्छी नींद ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेड वेटिंग के कई सारे कारण हो सकते हैं, और 5 से 7 साल की उम्र तक के बच्चे लगभग टॉयलेट ट्रेंड हो जाते हैं। वो खुद से उठ के पेशाब के लिए वॉशरूम जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर 7 साल के बाद भी ये समस्या बनी रहे और बच्चे को पता ही ना लगे और वो सोते सोते बिस्तर में पेशाब कर दे तो फिर ये कंडीशन हो जाती है बेड वेटिंग की कंडीशन। और इस समय पे आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है एज ए माँ बाप, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है और अगर वो बार बार बिस्तर में पेशाब करता है तो एक बार माँ बाप को भी कई बार गुस्सा आ जाता है, वो गिल्ट फील करने लगता है। और अगर बच्चे के अंदर ये गिल्ट वाला सेंस डेवलप होने लगता है तो वो अपने आप को सोसाइटी से और समाज से रिस्ट्रिक्ट करने लगता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसको ये भी डर रहता है कि माँ बाप से डांट पड़ेगी रात को अगर बिस्तर गीला कर दिया, और उसका उसमें कोई खुद का कंट्रोल भी नहीं होता है। तो ऐसे समय पे आपको उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, समझाने की जरूरत होती है, उसकी काउंसलिंग की जरूरत होती है, और उसके अलावा कुछ उसके ट्रीटमेंट भी हैं, कुछ टेक्निक्स भी हैं जिनके थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन नहीं है, बहुत सारे बच्चे खुद से ही अपने आप को इससे ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में ये ठीक नहीं होता है उनको फिर कुछ इलाज की या कुछ ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो पहला कारण होता है इमेच्योर ब्लेडर या इमेच्योर न्यूरोनल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जिसी बच्चा 5 से 7 साल की उम्र में होता है तो उसका ब्लेडर अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में होता है। कुछ बच्चों में जल्दी डेवलप हो जाता है और कुछ बच्चों में इसमें थोड़ा सा समय लगता है उनकी ग्रोथ के साथ साथ। तो इसमें ब्लेडर की जो मसल्स है वो वीक होती हैं। अब क्योंकि ब्लेडर फुल हो जाता है, बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है, न्यूरोसेंसोरियल सिस्टम भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, बच्चा अपना बिस्तर में ही पेशाब कर लेता है और उसको तब पता लगता है जब वो गीला हो चुका होता है पूरी तरीके से, या उनके माँ बाप अगर आसपास हो रहे हैं तो उनको तब पता लगता है कि बिस्तर गीला हो गया। दूसरा कारण एक और होता है कि अगर बच्चे को पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए, जिसको यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कहते हैं, तो अगर ब्लेडर डेवलप भी हो गया तो कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण भी बच्चा बेड वेटिंग कर सकता है। बट ये बड़ा आसान इलाज है, एक एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाता है, तो इसलिए आपको डॉक्टर की दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा कारण एक होता है कि ऐसे बच्चे जो बाय बर्थ जिनको डायबिटीज है, क्योंकि इसमें एक तो यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और अभी बच्चे का ब्लैडर भी उतना मैच्योर नहीं होता है, तो वहां पे भी कई बार ऐसे बच्चों को जिनको डायबिटीज हो जाता है उनको भी ये समस्या होने का डर रहता है। तो फिर ब्लड शुगर भी ऐसे बच्चों का चेक कराना चाहिए जो रात को सोते समय बिस्तर गीला करते हैं। कई बार बच्चों के पेट के कीड़े जो है, पेट के कीड़े अगर बच्चे के हैं वो भी कुछ इरिटेशन करते हैं पीछे से बॉल पे, और वो ब्लैडर क्योंकि आपकी इंटेस्टिन के नजदीक होता है, लार्ज इंटेस्टिन के नजदीक होता है, तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चा सोते सोते पेशाब कर देता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हो और आपने डिवॉर्म ना किया हो और इसलिए बच्चा सोते सोते पेशाब कर लेता है। उसके साथ साथ एक कंडीशन कॉन्स्टिपेशन, किस जिन बच्चों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट रोजाना उनका साफ नहीं होता है, मोशन उनको हार्ड आता है, तो उसमें भी यही कारण है कि पीछे से उनको पुश पड़ता है ब्लेडर के ऊपर आपकी जो लार्ज इंटेस्टीन है उसका रेक्टल एरिया से, तो इस वजह से भी बच्चा रात को सोते समय पेशाब कर लेता है। अब बात करते हैं कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, क्या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, या सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट ही इसका इलाज है। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला समाधान है वो है माँ बाप की ट्रेनिंग और साथ ही साथ बच्चे की ट्रेनिंग, सो दैट जो ब्लैडर है उसको ट्रेन किया जा सके। तो जब भी आप
बच्चे को रात को बिस्तर पे जाने के लिए कहते हैं उससे पहले एक बार बच्चे को पेशाब के लिए लेके जाए, और दिन में भी कोशिश करें कि बच्चा थोड़ी देर पेशाब रोके और उसको फिर उसको पेशाब के लिए जाने दें। ये सबसे अच्छा साधन है। अगर आप अच्छे से ट्रेन कर लेते हैं अपने बच्चे को दिन के समय में, तो चांसेस होते हैं कि रात के समय भी वो वॉशरूम उठ के जाएगा। दूसरा जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि जो खान पीने का आदत है, समय है, उसको भी चेंज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मीठी चीजें ना दें, तो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट अपने बच्चे की डाइट में कम रखें। जो जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनसे बिल्कुल बचा के रखें, क्योंकि इनसे एक तो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और जब खून के अंदर ब्लड शुगर का लेवल थोड़ा अपसाइड रहता है तो यूरिन ज्यादा बनता है बच्चों को, इस वजह से यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और बच्चा फिर रात में उसको बेड वेटिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है फ्लूड मैनेजमेंट। आप जितना भी दिन भर में बच्चे को आपको पानी देना है या लिक्विड चीजें देनी है, उनको आप 3 भागों में बांट लीजिए, और कोशिश करें कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक आप जो टोटल फ्लूड है उसका 40% इस समय में दे दें, और आफ्टरनून में 1 बजे से 6 बजे के बीच आप बाकी 40% दे दे। तो इस तरीके से आप सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 80% जो उसका फ्लूड कंटेंट है, जो आप खाने पीने में उसको देना चाहते हैं, वो आप दे देंगे। बाकी जो बचा 20%, वो 6 बजे के बाद आप दें, और कोशिश करें कि उसको भी सोने से 1-1.5 घंटा पहले तक रोक ले। तो इस तरीके से अगर आप मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग फ्लूड का मात्रा को डिसाइड कर लेते हैं अपने बच्चे की, तब भी आप उसके बेड वेटिंग को रोक सकते हैं। तीसरा, कभी भी आप बच्चे को डांटे ना, उसको समझाएं, उसको साथ ना दें, उसको बोले ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। इस उम्र के बच्चे पेशाब कर लेते हैं, अभी अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया तब भी ये कहें, और कभी भी रिश्तेदारी में जाते समय उसको इस चीज पे तो बिल्कुल किसी के सामने ना बोले, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चा खुद से भी पेशाब करना रोक देगा। उसके अलावा कुछ एक टेक्निक्स आती हैं, कुछ बेड वेटिंग अलार्म्स आते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा गीला होता है कपड़ा, वो अलार्म बजने लगता है और बच्चे की आंख खुल जाती है, और इस तरीके से बच्चा और बच्चे का ब्लडर दोनों ट्रेंड हो जाता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे वो गीला होता है वो बजने लगता है, आपको आसानी से ही मिल जाएगा किसी भी मार्केट प्लेस से, या आप अपने पीडियाट्रिशियन को भी दिखा के ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इन सारी चीजों से आपको बात नहीं बन रही है, हालांकि इससे 90% केसेस में ठीक हो जाता है, तो आपको इनके साथ साथ अब डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि फिर डॉक्टर कुछ आपको मेडिकल मैनेजमेंट या कुछ दवाइयाँ शुरू करता है, उसमें डेस्मोपरेशन वगैरह काफी कॉमन है, लेकिन ये आपको अपने आप से नहीं करनी है, ये बहुत ही कैलकुलेटेड डोजेज होती हैं, इसलिए आप बच्चों के डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई मेडिकल मैनेजमेंट या इस तरह की दवाई शुरू करेंगे। उसके साथ साथ ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, कुछ देसी दवाइयाँ भी आती हैं, यूनानी दवाइयों का बड़ा अच्छा रोल है, आप उनको आप अपने बच्चे को शुरू कर सकते हैं साथ के साथ, इवन आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं तब भी दे सकते हैं, और ये जो सारी टेक्निक्स हमने ऊपर बताई की हैं, अगर ये भी आप सब कर रहे हैं उसके साथ भी इन दवाइयों को दे सकते हैं, बड़े अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं। तो एक दवाई होती है माजून मासिकुल बॉल, और दूसरी दवाई होती है माजून फलासफा। आप ये दोनों दवाइयां ले लीजिए, इनका करीब 2.5 से 3 ग्राम दोनों में से सुबह शाम आप अपने बच्चे को देते रहिए। इसकी डोज आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, अगर बच्चा आपका 8 साल से और 6 साल के बीच का है तो आप इसको 2.5 से 3 ग्राम दोनों में से 2.5 ग्राम दवाई लेंगे और सुबह शाम देंगे, और अगर आपका बच्चा 8 से 10 साल की उम्र का है तो इसको 4 ग्राम कर देंगे दोनों में से 4-4 ग्राम दवाई, और अगर आपका बच्चा 10 साल से उम्र का ज्यादा है, 12-13 साल तक भी पहुंच गया है, तो फिर इसको आपको 5-5 ग्राम सुबह शाम देना पड़ेगा। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे अगर आप इसको 40 डेज तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो बच्चे की बेड वेटिंग की समस्या जाती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर वाकई आपने इससे कुछ सीखा है, एक तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक जरूर कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।